सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईपैम सिस्टम के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। सो गाइस, माय नेम इज़ रोहन और मैंने पहले ही ईपैम सिस्टम का इंटरव्यू क्लियर कर लिया था और उन्होंने मुझे कुछ सैलरी ऑफर भी करी है। सो गाइस, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या ईपैम सिस्टम काम करता है, मतलब अबाउट द कंपनी, और फिर मैं बात करूँगा व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, कितने राउंड्स होते हैं और क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड फाइनली मैं पैकेज के बारे में बात करूंगा कि कितना पैकेज ईपैम ऑफर करता है टू अ फ्रेशर। सो गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं ईपैम सिस्टम के बारे में। सो ईपैम सिस्टम इज़ बेसिकली अ सर्विस बेस्ड कंपनी विच इज़ हेडक्वार्टर्ड इन अमेरिका और इसके इंडिया में भी काफ़ी जगह ब्रांचेज हैं, जैसे कि बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई एक्सेट्रा। सो मैंने यार सॉफ्टवेयर डेवलपर पोजिशन के लिए अप्लाई किया था और उसकी जो लोकेशन थी वो हैदराबाद थी, और अगर आप भी टेक्निकल बेसिकली रोल के लिए अप्लाई करते हो तो आई थिंक कि आपको भी हैदराबाद लोकेशन ही देखने को मिल जाएगी। सो गाइज, अब हम बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। तो यार, ईपैम सिस्टम के इंटरव्यू में टोटल 5 राउंड्स होते हैं, ठीक है। पहले 2 राउंड होते हैं हमारे पास टेक्निकल टेस्ट, जिसमें कि कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और 3rd राउंड होता है हमारे पास ग्रुप डिस्कशन, 4th इज़ दी टेक्निकल डिस्कशन और द टेक्निकल इंटरव्यू, एंड दी 5th राउंड इज़ दी HR डिस्कशंस। सो इन राउंड्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो गाइस, दी 1st 2 राउंड्स आर दी टेक्निकल टेस्ट, और हर टेस्ट हमारे पास 2.5 आवर्स का होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ टेस्ट नंबर 1 के बारे में, जिसमें कि हमारे पास 3 कोडिंग क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सबसे पहला कोडिंग क्वेश्चन काफ़ी आसान होगा, जो कि बेसिकली ब्रूट फोर्स पे बेस अप्रोच पे बेस्ड था और आसानी से आप लोग भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, जिसमें कि आपको या तो एक क्लास डाइग्राम गिवन होगा, तो उस क्लास डाइग्राम में देयर विल बी कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस या फिर इनहेरिटेंस, ठीक है। तो वो आपको एक बेसिकली डायग्राम गिवन होगा और उसके बेसिस पे आपको कुछ एम्प्टी फंक्शंस गिवन होंगे, ठीक है, और उन फंक्शंस को आपको कंप्लीट करना होगा और एक वर्किंग सॉल्यूशन बनाना होगा, ठीक है। तो यार, मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व करने के लिए आपको कुछ जावा के जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को आसानी से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। एंड 3rd क्वेश्चन जो मेरा आया था, इट वॉज बेस्ड ऑन DP और दैट वॉज द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का क्वेश्चन था, जो कि मेरे लिए काफ़ी आसान था और मैंने उसका कोड फटाफट से लिख दिया था, ठीक है। तो यार, मैंने जो 1st राउंड में टोटल तीनों के तीनों कोडिंग क्वेश्चंस कर लिए थे, एंड जो भी 1st राउंड में सेलेक्ट होता है उसी को 2nd राउंड, जो 2nd टेक्निकल टेस्ट है, उसके लिए मेल आता है। अब मैं बात करता हूँ आपसे 2nd टेक्निकल टेस्ट के बारे में। सो यार, इसमें जो मेरे पास आए थे वो दोनों के दोनों जो 1st एंड 3rd क्वेश्चन वर फ्रॉम DP, इसमें भी हमारे पास 2nd टेक्निकल टेस्ट में भी 3 ही कोडिंग क्वेश्चन आए थे। पहले जो 2 क्वेश्चन थे 1st एंड 3rd वन वाज ऑफ DP, और जो 2nd क्वेश्चन था वो अगेन वाज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, या फिर मतलब बेसिकली आपको एक क्लास डायग्राम के बन था और उसके बेसिस पे ही आपको कुछ एम्प्टी फंक्शंस को कंप्लीट करना था, ठीक है। यार, इस राउंड में मैंने 3 में से 2 कोडिंग क्वेश्चन जो DP वाले बेस थे वो मैंने कर लिए थे, मेरे से जो 2nd क्वेश्चन था वो नहीं हो पाया था, बट देन ऑल्सो आई गॉट अ मेल कि मैंने जो टेक्निकल टेस्ट है उनको फाइनली क्लियर कर लिया है। तो आई थिंक कि अगर आप 3 में से 2 कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली यू हैव अ गुड चांस ऑफ क्लियरिंग द टेक्निकल टेस्ट। सो गाइस, अब हम बात करते हैं 3rd एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड, जो कि मुझे लगा इसके पूरे इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में, एंड दैट इज़ दी ग्रुप डिस्कशन राउंड, ठीक है। तो यार, इस राउंड में काफ़ी बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, ऑल दो दे हैव अ वेरी गुड टेक्निकल नॉलेज, बट फिर भी उनके स्पीकिंग स्किल्स अगर कुछ प्रॉपर वे में नहीं है देन दे विल नॉट बी एबल टू क्लियर दैट। बट मैं कुछ आपको इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप इस राउंड को आसानी से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो यार, ये राउंड जो पूरा था इट वॉज 1 आवर राउंड, ठीक है। इसमें जो अभी क्योंकि कोविड चल रहा है तो इसकी वजह से जो इंटरव्यू प्रोसेस था पूरे का पूरा वर्चुअल था, तो ग्रुप डिस्कशन भी वर्चुअल हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप है उस पर हुआ था, ठीक है। सो डिस्कशंस के लिए हर बच्चे को एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट दिया गया था। सपोज 10 बंदों को आपको 4 बजे बुलाया है, तो 4 से 5 आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, उसमें आपके 10 स्टूडेंट्स अलॉट होंगे और एक मेंटर आपके साथ अलॉटेड होगा, ठीक है।
तो यार मेंटर सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लेगा, ठीक है। वो आप 10 बच्चे आप जैसे वर्चुअल मीटिंग में आप ज्वाइन कर रखी है तो वो आपका इंट्रोडक्शन लेगा, तो आपको अपने बारे में थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा पहले, और देन वो आपके जो टीम मेंबर्स हैं या फिर जो ग्रुप है उसको एक टॉपिक प्रोवाइड करेगा और 2 मिनट का सोचने का टाइम देगा, एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट दी ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। वन थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज बी क्लियर, जो भी आप बोल रहे हैं प्लीज उसको क्लियरली बोलिए, और जो भी आप बोल रहे हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर आप उसमें इंक्लूड करेंगे देन यू विल डेफिनेटली गेट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो मैं जनरली क्या करता हूँ कि मैंने इसे जनरली जो अपने रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं कुछ उसको इंक्लूड कर देता हूँ और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर डालता हूँ, ताकि जो मैं पॉइंट रख रहा हूँ इट विल बी मोर रिलेटेबल देन दी अदर पर्सन, जो कि रेंडमली एक मतलब पॉइंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है उससे वो बेटर लगता है, ठीक है। सो 40 मिनट जो है वो आपके 1 घंटे में से 40 मिनट जो है वो आपके ग्रुप डिस्कशन चलेगा। तो टॉपिक जो मुझे दिया गया था, हमारे ग्रुप को दिया गया था, इट वॉज लीडर्स आर बॉर्न और मेड, तो ये हमारे पास टॉपिक था तो इस पे हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो 40 मिनट ये चला, और उसके बाद फिर लास्ट के जो 20 मिनट का जो समय था वो हमें इंडिविजुअल आपको टॉपिक पे इसे एक्सटेम्पोर होता है ना कि आपको कुछ बोलना पड़ता है, 2 मिनट के लिए आप बोलिए, आपको एक टॉपिक दिया गया है उस पर, तो हर बंदे को एक इंडिविजुअली एक टॉपिक दिया गया था और उस पर उनको बोलना था, ठीक है। सो मेरे को जो टॉपिक मिला था इट वॉज क्रिएटिविटी वर्सेस नॉलेज, ठीक है। तो मैंने इसमें एक काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल दिया था ऑफ दी स्टीव जॉब्स, की कैसे उन्होंने एक सिंपल कंप्यूटर्स के अंदर फॉन्ट्स वगैरह इंक्लूड करके अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू एक डिवाइस को इम्प्रूव किया, ठीक है, ताकि वो आजकल जैसे हम फोटोशॉप वगैरह देख रहे हैं और इस तरीके की चीज़ों में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेसिव मूव था। तो गाइस मैंने इस तरीके से पूरे 2 मिनट इस पर बोला और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मैंने रखे थे इस पर, तो फाइनली आई वॉज एबल टू क्लियर दी ग्रुप डिस्कशन राउंड ऑफ दी ईपैम सिस्टम। सो गाइज नाउ लेट्स मूव टू दी फोर्थ राउंड एंड दैट इज दी टेक्निकल इंटरव्यू, ठीक है। तो गाइज मैं सच बताऊँ तो आई वॉज लिटिल बिट नर्वस, क्योंकि जो बेसिकली जो इंटरव्यूअर था मेरा वो 17 साल एक्सपीरियंस पर्सन था, ठीक है। वो 17 साल से ही ईपैम सिस्टम में काम कर रहे थे एंड मुझे सही में बहुत डर लग रहा था, ठीक है। क्यों लग रहा था? एक तो क्या होता है जनरली जब भी आपका इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदे के साथ इंटरव्यू होता है सो ही विल डेफिनेटली डिग डीप इनटू कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। जैसे कि अब मेरा जो रोल था इट वाज बेसिकली जावा डेवलपर के लिए मैंने अप्लाई किया था, मतलब मेजरली उनका वही रोल के लिए पोजीशन थी। सो काफ़ी ज़्यादा वो डिग डीप कर रहे थे इनटू दी कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोर जावा, ठीक है। तो अगर मैं बताऊँ तो यार क्वेश्चंस रिलेटेड टू दी कंस्ट्रक्टर, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर ऑल्सो, ठीक है, फाइनली कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, लिख के दिखाओ, है ना, और इसकी जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं कुछ उसके बारे में बताओ, तो मतलब इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा डीपली वो कॉन्सेप्ट्स में जा रहे थे। जितना मुझे आता था मैंने उतना उनको क्लियरली बताया, एंड फाइनली मेरे से फिर उन्होंने इसके बाद कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद जो कोर कॉन्सेप्ट्स में जो ओरल इंटरव्यूज लिए थे उन्होंने, वो होने के बाद फिर तो उन्होंने 2 मुझे कोडिंग क्वेश्चन दिए एंड दोनों ही मैंने सॉल्व कर दिए थे। वन वॉज रिलेटेड टू द लिंक लिस्ट, कि सपोज यू आर गिवन अ लिंक लिस्ट और उसमें एक नोड है जो कि प्रीवियस नोड को पॉइंट आउट कर रही है, तो आपको एक वो पर्टिकुलर नोड निकालनी थी, तो एक ये क्वेश्चन था, एंड सेकेंड क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू हैश मैप। तो इस तरीके से मेरा जो टेक्निकल राउंड था वो फाइनली कंप्लीट हो गया था। तो मैंने इसमें अगर मैं कहूँ तो मैंने अबाव एवरेज या फिर अबाव मीडियम लेवल परफॉर्म किया था, नॉट वेरी गुड, क्योंकि यार वो बहुत ज़्यादा डीप में जा रहे थे रिगार्डिंग दी कॉन्सेप्ट ऑफ जावा, बट देन ऑल्सो आई वॉज एबल टू मैनेज टू गेट आउट गेट थ्रू द इंटरव्यू, ठीक है। फाइनली मैंने इस राउंड को क्लियर कर लिया और उसके बाद आता है द मेन एचआर राउंड, ठीक है। सो गाइज अब हम बात करते हैं एचआर राउंड के बारे में, जो कि मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कुछ इस तरीके से निकलेगा मेरा, ठीक है। जनरली यार देखो किसी भी इंटरव्यू में एचआर राउंड होता है तो उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, जो जनरली जो कॉमन एचआर क्वेश्चंस होते हैं, एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद आपसे पैकेज डिस्कशन होता है कि आपको हम कितनी सैलरी ऑफर कर रहे हैं। बट इस राउंड में टोटल 1 घंटे का जो था वो पूरा के पूरा एचआर राउंड हुआ, और उसमें उसने काफ़ी मैं ये कहूँगा कि ट्रिकी क्वेश्चंस थे और काफ़ी डिग डीप जो इंटरव्यूअर था वो कर रहा था आंसर्स के अंदर, ठीक है।
क्योंकि इंटरव्यूअर यार 10+ ईयर एक्सपीरियंस था इन द ईपैम सिस्टम, तो चलो कुछ इस तरीके से यार मतलब हुआ, ठीक है। मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि किस तरीके से मुझसे पूछे गए थे। फर्स्ट वन वॉज कि वॉट क्रिएटिव थिंग्स यू डिड टू सॉल्व अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो यार ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, इसमें तुम्हें कुछ कहानी बनानी पड़ेगी। कहानी जो बनाते हैं उस मेथड को अपन कहते हैं स्टार अप्रोच, ठीक है। स्टार अप्रोच बेसिकली मीन्स कि सिचुएशन, फिर टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट, ठीक है। तो क्या सिचुएशन आपके सामने थी, मतलब बेसिकली क्या टास्क आपने सामने था, और क्या आपने उस पर एक्शन लिया, और फाइनली उस टास्क का जो रिजल्ट था वो आपने कैसे अप्रोच किया, ठीक है। तो इसके बेस हमें, इस अप्रोच के बेसिस पे हमें कहानियाँ बनानी होती हैं और वहाँ पे इन HR क्वेश्चंस का आंसर करना होता है, ठीक है। तो मैंने जो मेरे से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैंने नोट डाउन कर रखे हैं, तो मैं उसको रीड आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन वाज कि रिस्क इन लाइफ, व्हाट इज़ द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट्स योर लर्निंग स्ट्रैटेजी एंड हाउ डू यू नो इट इज़ करेक्ट। तो ये भी एक काफ़ी दिमाग वाला क्वेश्चन है कि आपको बिल्कुल उस पर सोचना पड़ेगा और फिर एक ऐसा आंसर देना पड़ेगा ताकि अगर वो बंदा डिग डीप भी करे इसमें तो हम उसको क्लियरली समझा पाएं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड फोर्थ क्वेश्चन वॉज कि बिगेस्ट प्रोजेक्ट एंड चैलेंजेस यू हैव फेस्ड इन डूइंग दैट प्रोजेक्ट। यार ये था HR राउंड, पूरा 1 घंटे का हुआ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिस्कशन हुआ विद दी HR। सो गाइज अब फाइनली मैं बात करता हूँ पैकेज के बारे में, ठीक है। तो HR राउंड होने के आई थिंक 1 हफ्ते बाद मेरे पास अगेन किसी HR का कॉल आता है and he said that congratulations, you are selected in EPAM systems and finally we are offering you a package. तो उन्होंने मुझे 6 LPA का पैकेज ऑफर किया, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, और चाहे तो फिर मैंने थोड़ा नेगोशिएट किया तो इट बिकम 6.5, ठीक है। तो आप भी चाहो तो थोड़ा नेगोशिएट कर सकते हो बाय गिविंग योर प्रीवियस ऑफर्स, कि मेरे पास इतने का ऑफर ऑलरेडी है तो मैं अब इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और EPAM सिस्टम का जो फुल टाइम का जो प्रोसेस है वो ये है कि सबसे पहले आपको 3 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग होगी जिसमें कि आपको 15,000 का स्टाइपेंड मिलेगा, एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट विद दी फुल टाइम ऑफर जिसमें कि आपको किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में दिया जाएगा और आपको जो सैलरी आपसे डिस्कस हुई थी आफ्टर द इंटरव्यू वो आपको प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक। तो गाइस फाइनली हम डिस्कस करते हैं माय रिव्यूज़, और जितना भी मैंने सब बताया सारा ये भी मेरा ही रिव्यू था, बट मेरा एक्सपीरियंस था, बट फाइनली रिव्यूज़ ऑन दी कंपनी। सो EPAM सिस्टम एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, अगर आप इसके वर्क कल्चर के बारे में बात करें तो इट इज़ ऑल्सो गुड, और फाइनली इंटरव्यू प्रोसेस तो काफ़ी इट इज़ वेरी रिगरस, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो भी कैंडिडेट फाइनली सेलेक्ट होंगे दे विल बी डेफिनेटली गुड वंस, तो आपके पीयर्स होंगे वो दे विल बी डेफिनेटली गुड पीयर्स, ठीक है। सो यार ये था मेरा पूरा का पूरा रिव्यू, जो भी मैंने कुछ बताया सारा का सारा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो यार अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। यार चैनल को एक बार खोल के देखो, आई थिंक कि तुम्हें तुम्हारे काम की चीज़ पक्का कुछ ना कुछ मिल जाएगी, और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, मोस्टली सारे के सारे ऑफ कैंपस हैं, तो आपको एक जेन्युइन एक्सपीरियंस या फिर रियल एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। तो प्लीज़ चेकआउट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।